ये देखना जरा, चल रही है 40 पे और आरपीएम देखना कितने दिखा रही है। डॉगी हट जा भाई। और ये आरपीएम देखना कितने दिखा रही है, मतलब इतनी आरपीएम कैसे हो सकता है। देखना मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, देखने तो फ्यूल तक आ जाएगा इसका। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार कि ये 40 की स्पीड पे 6000 आरपीएम पे पहुंच जाएगी। और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने में तो यार ये नीचे पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप कह रहा हूँ, ये फ्यूल टैंक की सुई को छू रही है। तेरे फेवरेट चॉकलेट वाले पहाड़ आ गए यहाँ पे भी, तो हर जगह है मतलब चॉकलेट वाले पहाड़ ना, जहाँ भी ऐसा लैंडस्केप होगा वहाँ पे चॉकलेट वाले पहाड़ मिलने ही मिलने। काम तो यहाँ पे हर समय चल रहा है, हर मोड पे दिख रहा है मुझे काम होता हुआ। कंटिन्यूअसली लोग लगे पड़े हैं करने में, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ तो नहीं आ रहा, क्योंकि रोड्स तो ऑलरेडी बनी हुई हैं, या तो ये भी स्नो पड़ने वाली है उसकी तैयारी। सो लेफ्ट साइड पे है कोई ये विलेज यंगथंग विलेज, और राइट साइड पे जाना है हमने काजा नाको। नाको तो अब यहाँ से बस 5-6 किलोमीटर ही दूर रहेगी। भाई कैसे रोक लूँ मैं तुम्हारे को ये सड़क दिखाने से, मतलब यार ऐसी सड़क आपको दिल्ली में मिलती है नहीं, इतनी शानदार ये क्या सड़क बना रखी है, सड़क है कि ये हाईवे है। हे राम क्या खूबसूरत है भाई, मैं तो सड़क से पागल हो गया हूँ। यहाँ पे बादल तो भाई काले लग रहे हैं, कल्पा में भी ऐसे बादल थे, और थोड़े थोड़े नाको जब तक पहुँचने वाला हूँ, जैसे जैसे नाको पहुँचने वाला हूँ वैसे वैसे काले बादल यहाँ भी दिख रहे हैं। क्या लग रहा है क्या यार, स्नोफॉल हो सकती है क्या, करा दो यार थोड़ी सी, तो क्या दिक्कत है यार, थोड़ी सी स्नोफॉल हो जाए तो मज़ा सा आ जाएगा यार ट्रिप के अंदर है। आप लोगों को कुछ ऐसा व्यू दिखाता हूँ, हैरान रह जाओगे। रह गए हैरान। कैन यू बिलीव योर आईज, क्या देख रहे हो यार आप लोग। पीछे कोई ढाबा है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आई मीन टोटली अनबिलीवेबल। इतनी देर में यहाँ का नज़ारा कम्प्लीटली चेंज हो गया है, लग रहा है कभी भी भाई यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, स्नोफॉल तो नहीं हो जाएगी यहाँ। ओ माय गॉड यार कमाल का व्यू लग रहा है, तो कभी धूप कभी छाया कभी खुशी कभी गम। यह है हेलीपैड यहाँ का नाको का, नाको हेलीपैड। अभी तो यहाँ क्या बर्फीला मौसम हो रहा था और एकदम से सब ख़त्म हो गया। मैंने यार इसके चक्कर में अपनी कैब भी निकाली थी, बट यहाँ तो धूप हो गई एकदम से, कुछ नहीं पता चलता यार पहाड़ों पे मौसम कब बदल जाए। वही है ना भाई नाको, सांस फूल जाती है यार कुछ ही देर में, ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो कुछ खाते हैं। सो वी आर गोइंग टू क्रॉस मालिंग नाला। लेट्स सी मलिंग नाला हमें कैसे ट्रीट करता है। निकल जाऊं, यहां तो भाई बर्फ जमी हुई है। अभी जस्ट हम इसको क्रॉस करके आए हैं, यहाँ तो मस्त बर्फ जमी हुई है भाई।
सारे में बर्फ है। इन्होंने अभी मेरे को रोक के रखा है क्योंकि सामने से गाड़ियां आ रही हैं। अरे रास्ता देखना कितना डेंजरस है, सुपर डेंजरस रास्ता। अभी जब मुझे जाने देंगे तो मैं जाऊंगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बारी में एक ही गाड़ी जा सकती है। रियल एडवेंचर स्टार्ट होता है नाको से टाबू की तरफ, जो कि सड़क बिल्कुल टूटी फूटी है। चांस मिलता नहीं, कर लो थोड़ा सा 4x4 में एंजॉय भाई। लाइट ब्लिंक हो रही है, हो गया। चलो जी थोड़े से 4x4 के मजे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिटरली अभी यार इतनी खतरनाक मिट्टी और पत्थर थे, सफारी लिटरली स्लिप हो गई थी अभी। अब जैसे साला कोई खिलौना स्लिप होता है ना, ऐसे ऐसे स्लिप हो गई थी अभी। और ये तो जो भाई नेपच्यून का, मंगल ग्रह का, प्लूटो का, जो मर्जी बोल लो, जो रास्ता है ना भाई, बड़ा ही डेंजरस है यार। बट 4x4 से मजा सा आ रहा है, ठीक चल रही है कहानी। तो नाउ इट्स टर्मैक, मुझे बंद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, सेब सारे निकल चुके, सेब सारे हट गए। ये स्पीति है, किन्नौर है, ये किन्नौर है, स्पीति है। स्पीति कहाँ से शुरू होता है? सब जो से आके है। अच्छा, तो टापू वहीं पे आता है। तो यहाँ से आप किसको भेजते हो सेब? सेब कहाँ भेजते हो? सेब कैसे भेजते हो यहाँ से? अच्छा बिल्ली बाग पानी को लायक होते हैं। मेरे पास तो हैं बहुत सारे, कितने सारे सेब। भी पड़े हैं एप्पल कुछ, ये रहे मोटू मोटू। जस्ट लुक एट द विंड यार। अभी आपको स्ट्रक के बाद ना वो झंडे दिखेंगे उड़ते हुए। इधर देखो बहुत तेज हवा चल रही है इस समय। टेम्परेचर मेरे को इजीली 0 लग रहा है इस समय, कि हवा बहुत ही तेज है यार। दिख रहे झंडे उड़ते हैं कितनी तेज। सो द फाइनल बोर्ड हैज कम, काजा लेफ्ट, टाबो लेफ्ट। अब हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट। जी आ गए हम फाइनली स्पीति वैली में, फाइनली किन्नौर घाटी खत्म, और नाउ वी आर एंटरिंग इनटू स्पीति वैली। भाई लोग कैसे लग रहा है स्पीति, कमेंट बॉक्स में बताते चलना क्या फर्क लगा आपको किन्नौर स्पीति में। और जी वीडियो को ये बताते चलना कैसी लग रही है वीडियो, कैसा लग रहा है व्लॉग। सारे में मिट्टी मिट्टी है, मुंह में मिट्टी घुस रही है, शीशा खोल दो तो। और ठंड तो बाहर इतनी है कि इसका कोई जवाब नहीं है। धूप है पर तब भी बहुत ठंड है बाहर। तो चलो जी कमेंट बॉक्स में बताना शुरू करो
कि क्या डिफरेंस दिखाई दिया आपको किन्नौर और स्पीति के उसमें? क्या नजारे हैं यार ये। इतने डेंजरस रास्ते हैं ना यार ये, सुपर डेंजरस, सीरियसली यार। सामने से गाड़ी आ जाए तो हालत खराब हो जाए। सो इस विलेज का नाम है चंडीगढ़। तो हम पहुंच गए भाई चंडीगढ़। एक ही नाम के दो जगह होता है क्या? हाँ वैसे तो बहुत है, श्रीनगर भी दो हैं, ऐसे तो बहुत है यार। हाँ फाइनली गाइस ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गया हूँ टाबो। और कुंजुम टॉप 118, रोहतांग 196, लोसर 103, किब्बर 66, काजा 46। तो कलम करेंगे 46 काजा। और अभी ढूंढते हैं कुछ होटल। एंट्रिंग टाबू। सो वी आर इन बस स्टैंड टाबू। अब यहां ढूंढते हैं कुछ स्टे करने के लिए। ग्राम पंचायत टाबो आपका हार्दिक स्वागत करती है। सो फाइनली पहुंच गए भाई। यार ये पसंद आई थी पर ये तो बंद है भाई। यार मोस्टली ना बंद है होम स्टेज होटल, तो आई मीन मोस्टली बंद है। अब किसी ने बताया है ग्रीन तारा है, तो इससे पता करें क्या अगर यहाँ पे कुछ हो तो। अच्छा यहाँ? हाँ जी। नहीं तो इसके बराबर में लगा दूँ? हाँ जी, ये इन रहने पहुँच गया हमारे, ऐसा नहीं घर यहीं आ जाएगा आपका। अच्छा ऐसा करके पीछे ले आए ना सर, फिर सीधे लगा दो जरूर। अच्छा हाँ जी, ठीक रहेगा ना जी, यहाँ पार्किंग में ठीक है जी। हमारी गाड़ी वही रहती है। हमारी गाड़ी तो कल मुझे काजम में भी नहीं मिलेगी बर्फ कल काजम में? आज मौसम कुछ है तो है, ठंड हो गया थोड़ा है ना, ठंड बढ़ गई। और पिन वैली में है सुनने में आ रहा था, दिल्ली में भी नहीं होना सर अभी तो, बहुत दूर जाके पारों में होगा तो पता नहीं सर। अच्छा क्या खोज रहे हैं बड़ा? वो दो बैग रखे हैं ऊपर ना तो मुश्किल लग रही थी मिलने में, क्योंकि ना काफ़ी लोग कह रहे थे होटल्स यहाँ बंद हो चुके हैं, मोस्टली लोग चले जाते हैं सर्दियों में ना, तो होम स्टेज ही बसते हैं। तो किसी ने बताया है ग्रीन तारा नाम से एक होटल होम स्टे है, तो मैंने उनसे पूछा और बाई चांस की बात है यार रूम मिल गया। रूम बहुत ही यार मस्त है, एकदम कोजी सा रूम लग रहा है। और यहाँ पे अब मैं सोच रहा हूँ मस्त होकर सोऊंगा। थोड़ी देर तक एक्चुअली बताऊँ सो भी गया, आते ही इतनी तेज़ नींद आ रही थी। और अब मस्त नींद करेंगे यहाँ पे, आराम से सोएंगे, हीटेड बेड है, मज़ा आएगा। और अगर आज का एपिसोड ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको ये जर्नी हमारी अच्छी लगी होगी फ्रॉम कल्पा टू टाबो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।